हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के पुराने वीडियोस जो मैंने पहले अपलोड किए हैं वो ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने इंक्लूड किए हैं मीडियम ऑफ पॉलन ट्रांसफर, मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इन क्रॉस पॉलिनेटिंग स्पीसीज द स्टिक ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम ए फ्लावर टू द स्टिग्मास ऑफ अदर फ्लावर और डिफरेंट प्लांट। मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन की पहली शर्त क्या है कि जो प्लांट है वो डिफरेंट होने चाहिए, मतलब एक प्लांट के एक फ्लावर से। जब पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिरता है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब प्लांट डिफरेंट होगा। जो फ्लावर्स हैं जिनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के होंगे। अब देखते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रॉस पॉलिनेशन में, मीडियम ऑफ पॉलन ट्रांसफर, मतलब जो पॉलन का ट्रांसफर होता है वो किस किस मीडियम से हो सकता है और उनको क्या क्या बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में। ये क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कि अगर पॉलन का ट्रांसफर इस मीडियम से होता है तो उसको क्या बोला जाएगा, उस प्रोसीजर को। तो देखते हैं व्हेन द पॉलन इज ट्रांसफर्ड बाय विंड, मैंने हाईलाइट करके रखा है, अगर ट्रांसफर पॉलन का ट्रांसफर विंड से होता है तो उसको बोलेंगे हम एनिमोफिली। नेक्स्ट है व्हेन द पॉलन इज ट्रांसफर्ड बाय इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट से ट्रांसफर हो रहा है पॉलन का तो उसको बोलेंगे क्या, एंटोमोफिली। ये बहुत ईजी है, इंसेक्ट से एंटोमोफिली। नेक्स्ट व्हेन द पॉलन इज ट्रांसफर्ड बाय बर्ड्स, अगर बर्ड्स से हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट अगर पॉलन का ट्रांसफर एनिमल्स से हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, जूफिली। और अगर वाटर से हो रहा है तो हाइड्रोफिली। मतलब जो वर्ड्स की मीनिंग है साइंटिफिक मीनिंग उन्हीं के नाम पे रखा, लगभग सेम टू सेम है, जैसे इंसेक्ट का एंटोमोफिली, एनिमल्स का जियोफिली, वाटर का हाइड्रोफिली, तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं मैकेनिज्म प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो प्रमोट करते हैं। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था सेल्फ पॉलिनेशन के, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए तो कुछ सेट रूल्स होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में सेट रूल था बाइसेक्सुअलिटी और होमोगेमी। इसमें पहला सेट रूल है डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मींस जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में था बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पहला सेट रूल क्या है कि फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब जो डिक्लाइनिंग है उसी को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। इज ए कंडीशन इन विच द फ्लावर आर आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट। स्टेमिनेट फ्लावर को क्या बोलते हैं हम लोग, मेल फ्लावर, और पिस्टिलेट फ्लावर को फीमेल फ्लावर। तो यही बताया जा रहा है कि डिक्लाइनिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें या तो फ्लावर में सिर्फ मेल पार्ट पाया जाएगा या फिर फीमेल पार्ट पाया जाएगा, मतलब वो फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डिक्लाइनिंग। ये दो प्रकार से होते हैं डिक्लाइनिंग को, दो भागों में डिवाइड किया गया, एक मोनोएसी और एक डायोएसी। इनको देखते हैं क्या क्या होता है। पहले देखते हैं मोनोएसी। स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑकर इन द सेम प्लांट, मतलब यहाँ पे मोनोएसी और डायोसी, मोनो और डाई से मतलब प्लांट से है कि प्लांट कितने होंगे। मोनो मतलब एक प्लांट होगा, एक हम लोग बात कर रहे हैं भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की, मतलब फ्लावर दो होंगे पॉलिनेशन के लिए, दोनों फ्लावर होंगे मेल और फीमेल। लेकिन मोनोएसी है मतलब, मोनो मतलब सिंगल, तो प्लांट एक होगा और उसमें दोनों प्रकार के फ्लावर पाए जाएंगे, मेल भी और फीमेल भी। वही चीज़ लिखा हुआ है, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स ऑकर इन द सेम प्लांट। अब वो सेम प्लांट में है तो या तो सेम इनफ्लोरेसेंस में हो सकते हैं, जैसे कि कैस्टर में होता है, मैंगो में होता है और कोकोनट में होता है, मतलब एक प्लांट और सेम इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मतलब फूलों का जो गुच्छा होता है, अगर वो एक ही इन्फ्लोरेसेंस में है
तो वो किसमें किसमें पाए जाएंगे, मैंगो और कोकोनट में, या फिर एक प्लांट और डिफरेंट सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस, मतलब अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस में अगर पाए जाए तो उनके एग्जाम्पल्स हैं कुकुरबिट्स, चेस्टनट, स्ट्रॉबेरी, ये सभी मोनोएसी के एग्जाम्पल हैं, मोनोसियस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसमें से एक और डिवीजन किया गया है कि सेम इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाएंगे या सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस में। अब आते हैं हम लोग डाइवेसी में, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब बताया ना डायोसी मतलब टू प्लांट्स, डाई मतलब टू प्लांट, तो जो मेल फ्लावर एक प्लांट में, फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में, वही चीज़ है। इन द प्लांट सच ए स्पीसीज आर आइदर मेल और फीमेल, मतलब यहाँ पे प्लांट ही मेल या फीमेल हो जाता है। अगर प्लांट मेल प्लांट है तो उसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स पाए जाएंगे, अगर वो प्लांट फीमेल प्लांट है तो उसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स पाए जाएंगे। एग्जाम्पल है पपाया, डेट पाम, एस्पेरेगस, पॉइंटेड गार्ड। जैसे इसमें एक बात है, जैसे कि हम लोगों ने मोनोएसी बोला, कुकुरबिट्स में पाए जाते हैं, कुकुरबिट्स जितने भी प्लांट होते हैं सब मोनोसियस होते हैं, तो यहाँ पे मैंने पॉइंटेड गार्ड लिखा है जो कि डायोसियस प्लांट है, तो ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कुकुरबिट्स का। एक पॉइंटेड गार्ड एकमात्र क्रॉप है कुकुरबिट्स से जिसमें डायोसियस नेचर पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस है और कई बार एग्जाम्स में आता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा सेट रूल होता था होमोगेमी। होमोगेमी मतलब कि मैच्योरेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, क्रॉस पॉलिनेशन देखना है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होगा, डाइकोगेमी मीन्स स्टैमेंस एंड पिस्टल, या मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर मे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। सेल पोलिनेशन में क्या हो रहा था, एट द सेम टाइम, क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो रहा है, एट द डिफरेंट टाइम, जो कि प्रमोट करेगा किसको, क्रॉस पोलिनेशन को। अब इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, पहले है प्रोटोगाइनी फिर प्रोटेंट्री। प्रोटो मतलब इसके नाम से समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को और क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोटोगाइनी मतलब प्रो मतलब पहले, गाइनी मतलब गाइनोसियम, मतलब इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द गाइनोसियम गाइनोसियम फीमेल सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर फर्स्ट, मतलब अगर हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर में दोनों होते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो उसमें अगर फीमेल या गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोगाइनी। अब इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं इन क्रॉप स्पीसीज लाइक फिग, बनाना, प्लम, प्रोम, पोमग्रेनेट, ये सभी क्रॉप्स किसके क्या दर्शाते हैं, प्रोटोगाइनी। और कुछ एग्जांपल्स वेजिटेबल्स के भी हैं जैसे ओकरा, चिली, ये सभी प्रोटोगाइनी दर्शाते हैं। इनमें पिस्टिल पहले मैच्योर होता है स्टामेंस से। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री मीन्स जैसे एंड्री मतलब एंड्रोसियम पार्ट मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्रो मीन्स पहले, तो एंड्रोसियम पार्ट पहले मैच्योर होगा, व्हेन एंड्रोसियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर्स फर्स्ट, एंड्रोसियम मैच्योर्स फर्स्ट। ये किसमें किसमें पाया जाता है, वॉलनट, कोकोनट, सपोटा, पैशन फ्रूट, सुगर बीट, ओनियन। ओनियन बहुत फेमस एग्जाम्पल है प्रोटेंडस प्लांट के, कई एग्जाम्स में आता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन ओनियन, तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं प्रोटोगाइनस प्लांट, प्रोटेंडस प्लांट, ऐसे करके चार एग्जाम्पल रहते हैं। तो ओनियन के कार क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होने का कारण है प्रोटेंड्री। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेज एग्जिबिट बोथ मोनोएसी एंड प्रोटेंड्री। जो मेज प्लांट में है आप लोग सभी जानते होंगे कि उसमें जो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर वो एक ही प्लांट में पाया जाता है, तो उसले इस कारण के चलते वो मोनोसियस हुआ और उसमें प्रोटेंड्री भी पाया जाता है, मतलब उसमें एंड्रोसियम पहले मैच्योर होता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मैकेनिज्म जो प्रमोट करता है क्रॉस पोलिनेशन को, वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी मीन्स होता है स्टिग्मा में, किसके द्वारा, वैक्सी फिल्म के द्वारा।
वो क्या लिखा है, स्टिग्मास आर कवर्ड विथ ए वैक्सीफिल, मतलब वही स्टिग्मा कवर्ड होता है पहले, द स्टिग्मास डर नॉट बिकम रिसेप्टिव, अगर वो वैक्सीफिल्म से कवर्ड है तो रिसेप्टिव नहीं होगा पॉलन ग्रेन के लिए, ये वही चीज़ है, स्टिग्मास डर नॉट बिकम रिसेप्टिव अंटिल दिस वैक्सीफिल्म इज ब्रोकन, जब तक ये वैक्सीफिल्म को ब्रोक नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगा, द वैक्सी मेम्ब्रेन या वैक्सी फिल्म इज ब्रोकन बाई द विजिट ऑफ हनी बीज विच ऑल्सो इफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब हनी बीज जो होते हैं अगर उस स्टिग्मा पे आके बैठते हैं तो उनके पैर से वो वैक्सी फिल्म टूट जाती है, जो जिससे क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है, मतलब प्रमोट करते हैं वो, ये मैकेनिज्म क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। ये दो क्रॉप में पाया जाता है, सबसे पहले ही लिखा हुआ है लूसर्न और अल्फा अल्फा में। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोस्टाइली, हेट्रोस्टाइली जैसे सेल पॉलिनेशन में एक मैकेनिज्म था पोजीशन ऑफ एंथर, ये उसी प्रकार का है, व्हेन स्टाइल एंड फिलामेंट इन ए फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब जो फिलामेंट मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स स्टाइल, वो दोनों अगर डिफरेंट लेंथ के होंगे तो वो भी क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा। जैसे ये पाया जाता है कि इसमें ब्रिंजल्स में हम लोग सभी जानते हैं चार प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं ब्रिंजल्स में, लॉन्ग स्टाइल, मीडियम स्टाइल, सॉडो शॉर्ट स्टाइल, सूडो शॉर्ट स्टाइल, तो ये सभी किसको दर्शाते हैं, स्टाइल की लेंथ को। तो वही है कि अगर फिलामेंट और स्टाइल अलग अलग लेंथ के पाए जाएंगे तो प्रमोट करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को। आगे बढ़ते हैं, ये दो और मैकेनिज्म हैं जो प्रमोट करते हैं क्रॉस पोलिनेशन को, जैसे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी और मेल स्टरलिटी। तो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी को देखते हैं, इट रिफर्स टू द फेलियर और पॉलन फ्रॉम ए फ्लावर टू फर्टिलाइज द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट, मीन्स इसमें होता क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वर्किंग नहीं होता है, इसमें पॉलन उपस्थित है मतलब प्रेजेंट है और वर्किंग है, लेकिन वो अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है असंगतता हिंदी में, तो इसमें हो मतलब बेसिकली समझने के लिए कहा जा सकता है कि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो वर्किंग नहीं होता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मेल स्टरिलिटी में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मीन्स जो पॉलन है, डेफिनेशन देखते हैं, मेल स्टरिलिटी रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ फंक्शनल पॉलन ग्रेन इन द इन अदरवाइज हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर, मतलब मेल स्टरिलिटी में क्या हो रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वर्किंग नहीं है, या तो पॉलन एब्सेंट होगा या फंक्शनल नहीं होगा, लेकिन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या है कि पॉलन प्रेजेंट है, फंक्शनल भी है, लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन बोथ द केसेस फ्लावर डू नॉट सेट सीड ऑन सेल्फिंग, मतलब अगर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी किसी भी प्रकार का हो, किसी भी टाइप का हो, उसमें सीड सेटिंग नहीं होता सेल्फिंग करने पे, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करने पे। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी कई क्रॉप से पाया जाता है, जिसमें सबसे कॉमन है ब्रैसिका स्पीसीज में बहुत ही सेवर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, फिर निकोटियाना स्पीसीज में पाई जाती है, रेडिस में, राई में और मैनी और कई भी ग्रासेस हैं क्रॉप्स हैं उनमें पाई जाती है। मेल स्टेरिलिटी डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि इसमें जो फंक्शनल पॉलन या तो एब्सेंस रहता है, एब्सेंट रहता है या फिर फंक्शनल नहीं रहता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, जेनेटिक, साइटोप्लाज्मिक एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी है ये सेपरेट टॉपिक्स से हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियोज में कंसिडर करेंगे। साइकोसिटी को प्रमोट करता है। एक बार फिर से समझते हैं कि जो जब हम लोग सेल्फ पोलिनेशन देखे तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो सेल्फ पोलिनेशन है वो होमोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है और ये हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें फॉलन
पॉलन ग्रेन आता है, मतलब जो दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन है वो प्लांट में आता है, तो उससे क्या होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन मतलब मिक्स हो जाता है, जो कि हेटरोजाइगोसिटी को प्रमोट करता है। दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इसी पे डिपेंड है। क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज आर हाईली हेटरोजाइगस एंड सो माइल्ड टू सेवर इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जैसे कि हमने सेल्फ पोलिनेशन में देखा था कि उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि क्रॉसिंग होता ही नहीं है, तो इसमें जब क्रॉसिंग होता है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है एंड ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हेट्रोसिस, और इनमें हेट्रोसिस भी सफिशियंट अमाउंट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं द ब्रीडिंग मेथड्स इन सच स्पीसीज एम एट इम्प्रूविंग द क्रॉप स्पीसीज विदाउट रिड्यूसिंग हेट्रोजाइगोसिटी। हम लोग सभी जानते हैं कि जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस है वो सभी सब डिपेंड है किस पे, क्रॉसिंग पे। ये वही चीज़ है, द ब्रीडिंग मेथड्स इन सच स्पीसीज एम एट इम्प्रूविंग द क्रॉप स्पीसीज, जो ये क्रॉप स्पीसीज को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता हेट्रोजाइगोसिटी में रिड्यूसिंग किए बिना। तो फ्रेंड्स ये क्रॉस पोलेशन कंप्लीट हुआ। आप सभी को थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और नेक्स्ट अपडेट्स नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और हमारा पेज है फेसबुक पे एग्रीकल्चर्स पॉइंट, इस पेज को भी ज़रूर लाइक करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।